हेलो दगड़ियों, नमस्कार। क्या हाल? आशा उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, मैं भी अपने घर में आराम फरमा रहा हूँ। बीरोखाल गया था गाड़ी लेके, बेटा भी गया था मेरा और पापा भी गए थे। पापा और बेटा दुकान में चले गए कालिंग का, मैं घर में हूँ। और घर में मुर्गियाँ भी खोल रखी है मैंने, दो चार मुर्गियाँ भी पाल रखी है। और ये ऊपर क्यारी में आ जा रही है, तो क्यारी में हमने आजकल ये प्याज लगा रखे हैं थोड़े से, घर में हुए थे। और लहसुन इधर, और राई, धनिया बो रखा। ये मुर्गा आ गया, देख आ जाते हैं सारी देर। और दोस्तों, टाइम पास कर रहा हूँ मैं भी घर में। पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी। ये भी शाम का टाइम हो रहा है। हमारी एक दीदी घास लेके आ गई गौशाला में, दूध की बाल्टी की भी, शायद दूध निकाल के घर में जाएंगे। दोस्तों, ये पौड़ी पौड़ी का है, पौड़ी गए थे हम एक बारात में। हाँ, पौड़ी का है, दिखाता हूँ आपको। तो मैं भी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी याद आ रहा था बैठे बैठे कि काफ़ी लोगों की बारात में गए, वहाँ से प्यारी प्यारी कमेंट आते हैं उन लोगों की। अभी देहरादून गया था परवीन भाई के साथ में, तो उन्होंने कहा भाई साहब बहुत अच्छा किया मैंने जो आपका बैंड चूज किया अपनी शादी में, तो हमें भी खुशी होती है दोस्तों। बाकी ये है कि देखो, जितने पैसे में बात हो रखी है वो तो पार्टी देती देती है, पर अगर पैसे देते समय उन्होंने अगर कह दिया कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो हमें भी बहुत खुशी हो जाती है भाई साहब। तो आप भी, और बहुत सारे लोग हैं और कि जो अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, अच्छे बहुत लोग कितने ऐसे भी हैं कि जो कमेंट नहीं कर पाते, पर उसी टाइम बोल देते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपका बैंड। मैं पिनानी से एक बार भरी गया था बारात में, तो पिनानी वालों ने ही फिर मुझे बुकिंग दिला दी, कहा भाई भरीक से कहा है उन्होंने कि जो आपके लड़के की शादी में आया था बैंड वही करना है। तो गया था मैं भरीक भी, उसकी भी वीडियो है भरीक से, पैठानी से थोड़ा सा आगे गई थी बारात। और जैसे अभी गुठियाल गांव से रिक्शाल गया था, बहुत सारी हैं और लोग बरातें, जैसे अभी बैला से ढंगल गांव गया था। तो सभी जगह जहां मतलब कोशिश हर बार ही करते हैं भाई साहब जो भी हैं कि अच्छी अच्छा काम और अच्छी अपनी मार्केट बनाए। वो पसंद ना पसंद आप लोगों पे है कि आपको कितना पसंद आया। और हर बारी जहां भी अगर किसी गांव में अगर चौथी बार भी जाऊंगा ना, तो मार्केट ही बनाने की कोशिश करूंगा। तो कितनी अच्छी यादें रह जाती, कितनी बुरी जो यादें होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई झांझी उलझ जाता है, बजाओ जी बैंड वाले हम बैंड बजाने के लिए बुला रखे हैं, मतलब मेरा जो वसूल है ना, हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं कि जो बैठे बैठे वो पैसे दे देंगे। मेरा वसूल ये नहीं है, मुझे तो ये है कि भाई आपकी शादी में ना, जहाँ शादी होती है 10 गांव से रिश्तेदार आए होते हैं आपके, तो उनके दिल में छाप छोड़नी है कि बैंड बुलाओ जी तो वही बुलाओ। बहुत बार होता है मेरे साथ
कि मैं अभी आपने को मैंने पिनानी का किस्सा सुनाया था, तो और जगह भी होता है ऐसी, तो कोशिश रहती है हमारी। तो आप लोग भी जितना प्यार से हमारे साथ रहेंगे उतना हम भी आपके साथ रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि मेरी नहीं, हर बैंड वाला यही चाहता होगा। और काम करते वक्त भी जब लास्ट में पेमेंट देते हो आप लोग, तो अगर बोल दिया बहुत अच्छा काम किया ना, दिल में भाषा बहुत खुशी होती है। कि यह है कि बाकी तो मैंने कहा था कि जितने पेमेंट में बात हो रही कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर कभी अगर नाराज़ होके पेमेंट कर दी तुमने तो बजाए नहीं लो पैसे, ऐसा मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। कोशिश भी मेरी यही रहती है। और अच्छी बुरी यादें आप लोग हमें देते हो, उदाहरण है बहुत सारे, जैसे मैठाणा वलसा। तो बाकी और भी गांव हैं, कितनी कितने गांव ऐसे हो रखे हैं कि अभी जहां तक जहां मैं गया नहीं, कोशिश करता हूं वहां पर। गांव वाले क्या कितनी बार क्या होता है कि लेट बोल देते हैं वो लोग, तो जहां हाँ बोल रखा वहां मना नहीं कर सकता हूं। तो ज़रूर मौका देना आप लोग, जब तक थोड़ा कुछ दिन तक ये है कि बैंड ठीक ठाक बच सकता है तब तक काम करूँगा। और कुछ दिन के बाद हो सकता है जब सोचूँगा कि अब नहीं, जब तक दम है कोशिश है कि बैंड संजय मिलन बैंड आपके आशीर्वाद से लगातार चलता रहेगा। और अभी मेरा एक दोस्त संतोष रावत ब्रास बैंड दिल्ली में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ढोल दमाव लेके दिल्ली में वो बैंड का काम करेगा, तो मैं ढोल दमाव का करूँगा दिल्ली में, और वो ढोल दमाव का करेगा तो मैं बैंड का करूँगा। तो दिल्ली में भी ज़रूर आप लोग किसी भी रिश्तेदार की शादी होती कहीं भी तो ज़रूर बुलाइए, मौका देना सेवा का। ज़रूर आप जिस उम्मीद से बुलाओगे उस पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। ये मेरी बेटी है सबसे छोटी वाली, अंजलि शर्मा, एक कक्षा 10 में पढ़ती है अभी।